धूमकेतु, धूमकेतु कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे, धूमकेतु, धूमकेतु, बाबा मेरे सामने आइए, बताइए मुझे धूमकेतु कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे पूछना है उससे कि तारा द्वार कहाँ है? तुमने धूमकेतु को पुकारा। तुमने धूमकेतु को पुकारा और वो प्रकट नहीं हुआ। हाँ बाबा, पिछले कई घंटों से यही कर रहा। इसका अर्थ साफ है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? मैं जो मांग रहा हूं वो मेरे जीने का मकसद है। राहु काल की मौत, मेरे लिए तारा द्वार पहुंचना बहुत ही जरूरी है बाबा। मुझे बस ये बता दीजिए कि धूमकेतु मुझे कहां मिलेगा। तुम जानते हो धूमकेतु को खोजना आसान नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं कि जब जब तुम धूमकेतु को पुकारो और वो प्रकट हो जाए। धूमकेतु को समझना असंभव है, असंभव। चाहे आप मुझे धूमकेतु तक पहुंचने का रास्ता ना बताए, पर मुझे ये तो बता सकते कि तारा द्वार तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें कोई रास्ता दिखा सकता हूं, और तारा द्वार की मनी देना मेरी नियति में नहीं है। तो कैसे मिलेगी मुझे तारा द्वार की प्रवेश मनी? बाबा कोई ना कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा तारा द्वार तक पहुंचने के लिए। लेकर जाऊंगी तुझे तारा द्वार, क्योंकि तू ही तो है जो मुझे सावित्री तक पहुंचा सकता है। तुम्हारे साथ मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। मैं यहां तुम्हारे पैरों की वजह से नहीं आई राहुकाल, मैं परिवार की वजह से आई हूं। अगर मेरी परिवार की जान खतरे में नहीं होती, मैं कभी तुम्हारे पैर लेने नहीं आती। चले जाओ यहां से, चले जाओ। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे लौट सकता हूं दमयंती? तुम्हारा मकसद मेरे पांव लाना है दमयंती, परंतु मेरा मकसद तुम्हारी घृणा को जीतना है। कम से कम एक बार इस यात्रा में दमयंती। बस करो राहुकाल, बस करो। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम चाहते हो ना तुम कि मैं तुम्हारे पैरों को लेकर आऊं? मेरा पीछा छोड़ दो। अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे तो मैं आसानी से अपना काम कर सकूंगी। चले जाओ यहां से, चले जाओ। तू वही करेगा और वही कहेगा जो मैं चाहती हूं।
आसानी से तब होता दमयंती जब तुम सत्य से वो अंगूठी लेकर आती। हम तारा द्वार आसानी से प्रवेश कर सकते थे, परंतु अब तारा द्वार में अंतिम प्रवेश के लिए तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सत्या की सुरक्षा के लिए मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े मैं करूंगी। और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। संकट हो बस मेरा नाम लेना, मैं संकट दूर कर दूंगा दमयंती। तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हें तारा द्वार कौन लेकर जा सकता है। ये अब तुम इनके साथ जाओ और जैसा जैसा ये कहते जाएं तुम करते जाना, तुम्हें तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। जी बाबा। आप ले जाएंगे मुझे तारा द्वार तक? आप जानते हैं तारा द्वार का रास्ता? कौन है आप? कौन है? विनाश को परिचय मांगता है, जानता नहीं मैं कौन हूं। नहीं, किसी को जानना मेरा काम नहीं है, ना मुझे यह पता है कि कौन क्या है, ना तो मुझे स्मरण रहता है। मैं तो इस वन का पथ प्रदर्शक हूं यानी गाइड। यदि आपके पास प्रवेश मणि है तो मैं आपका पथ प्रदर्शन करूंगा।
आपके पास प्रवेश मणि है, आप दक्षिण की ओर जा सकते हैं। ये मेरे पास ये चावल है। आपके पास ये चावल है, आप उत्तर की ओर जाएं। आगे जाकर आपको परीक्षाएं देनी होंगी, यदि उसमें सफल रही तो उसके पश्चात आप अंत पर पहुंचेंगी, जहां ये लंबे बाल वाला आदमी आपकी प्रतीक्षा करता मिलेगा। अगर मैं परीक्षा में सफल नहीं हुई तो आपकी यात्रा का अंत वहीं हो जाएगा।